नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। 50 साल के पार और काम में लेट लतीफी करने वालों को अब जबरन रिटायर किया जाएगा। केंद्र सरकार विकास की रफ्तार को गति देने के लिए जोर शोर से काम कर रही है। इस बाबत सरकार ने अंडर सेक्रेटरी लेवल के अफसरों के रिव्यू का आदेश जारी कर दिया है। इस पूरे रिव्यू के दौरान अंडर सेक्रेटरी लेवल के पूरे रिकॉर्ड को गिना जाएगा। सरकार के मुताबिक सर्विस रिकॉर्ड में अधिकारी को मिले टारगेट के अलावा फाइल क्लियर, पेपर सबमिट समेत अन्य चीजों को भी मापा जाएगा। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि इस इंटरव्यू के लिए शुरुआती निर्देश अगस्त 2020 में ही जारी किया गया था, जिसमें कहा गया था कि क्या सरकारी अधिकारियों को काम जारी रखना चाहिए या फिर पब्लिक इंटरेस्ट में जल्द ही रिटायर हो जाना चाहिए। इस बाबत सरकार ने एक फॉर्म भी जारी किया था, जिसमें सभी बिंदुओं का उल्लेख किया गया था। साथ ही सभी डिपार्टमेंट को पूरा डेटा और इनपुट मुहैया करवाने की मांग की गई थी। अब सवाल यह है कि आखिर रिव्यू करेगा कौन? तो हम आपको बता दें कि रिव्यू के लिए CCA द्वारा 2 सदस्य की कमेटी गठित की जाएगी, जो संबंधित अधिकारियों का रिव्यू करेगी। सरकारी सूत्रों की माने तो यह जांच ऐसे अफसरों का आकलन करने के लिए है जिनकी परफॉर्मेंस निंदाजनक रही है और ऐसे अफसर जिनकी उम्र भी 50 साल के पार हो गई है। ऐसे अफसरों पर सरकार नकेल कसने की तैयारी कर रही है। सरकार की यही मंशा है कि आम नागरिकों की लगातार सरकारी कामकाज को लेकर आ रही शिकायत से निजात दिया जा सके। अक्सर आपने भी सरकारी कामकाज में काफी देरी होने की शिकायत का सामना जरूर किया होगा। हालांकि अब केंद्र सरकार की यही कोशिश है कि कामकाज में लथार्जिक रवैया अपनाने वाले अफसरों को छुट्टी दे दी जाए, यानी कि अब काम में लेट लतीफी दिखाने वाले अफसरों पर केंद्र सरकार एक्शन ले रही है। हालांकि केंद्र सरकार का यह रुख कोई नया नहीं है। इससे पहले भी केंद्र सरकार ने ऐसे अफसरों पर सख्ती दिखाई है। इससे पहले भी केंद्र सरकार ने ऐसे अफसरों को चिन्हित करने का अभियान शुरू किया था। उस वक्त टैक्स डिपार्टमेंट से जुड़े कई अधिकारियों को वक्त से पहले रिटायर कर दिया गया था, जिनकी परफॉर्मेंस बेहद ही खराब थी। परफॉर्मेंस को तय करने का भी जो आधार बनाया गया, उसमें छुट्टियों की संख्या, प्रॉपर्टी या ट्रांजैक्शन पर संदेह, मेडिकल हेल्थ जैसी चीजों को शामिल किया गया था। इसी तर्ज पर केंद्र सरकार ने एक बार फिर से इसकी शुरुआत कर दी है, जिसके बाद अफसरों के पसीने छूटने शुरू हो गए हैं, क्योंकि किसी को कोई अंदाजा नहीं है कि कब किसके पास सरकार का फरमान आ जाए। हालांकि सरकार के इस निर्णय से ऐसे अफसर को राहत जरूर मिलेगी जिनके रिटायर होने में 1 साल या उससे भी कम समय बचा है, क्योंकि ऐसे मामलों में इन अफसरों को जबरन रिटायर नहीं किया जाएगा, बल्कि उन्हें बचे हुए समय तक सेवा देने की अनुमति दी जाएगी। इस बाबत मंत्रालय और डिपार्टमेंट को भी सख्त निर्देश दे दिया गया है कि सरकार की तरफ से जारी किए जा रहे फॉर्म को अच्छी तरह से भरवाया जाए, ताकि कोई भी कॉलम खाली ना रह जाए। साथ ही ये भी साफ कर दिया गया है कि जिन भी अफसरों को बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा, उनका यह कंपलसरी रिटायरमेंट माना जाएगा, यानी कि सरकार अधिकारियों को रिटायर करने के फैसले का इस्तेमाल करने वाली है। सभी अफसर इस बात का भी खास ध्यान रखें कि अगर सरकार की तरफ से किसी अफसर का रिव्यू किया जाता है, तो वो अफसर इस भूल में ना रहे कि अब तो रिव्यू हो गया, अब किसी बात की कोई चिंता नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि सरकारी सूत्रों ने यह साफ कर दिया है कि जिन भी अफसरों का एक बार रिव्यू हो गया है, उनका रिव्यू दोबारा भी हो सकता है। इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।